सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए एंड सेफ हो गए। सो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू डे, अ न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सुपर डुपर, क्योंकि पीछे देख रहे हो आप इतनी सारी कार्स है आप लोगों के लिए। सो जलंधर में हूँ, आपको पता ही है, काफी टाइम से ब्लॉग्स आ ही रहे हैं आप लोगों के लिए। सो मैंने सोचा एक सेकेंड हैंड कार्स पर भी ट्राई करा जाए। एंड यहाँ की एक फेमस जगह पे हूँ मैं, जिसका नाम है क्रिस्टल कार बाजार। एंड यहाँ पे मैं आपको कार्स दिखाने वाला हूँ, बढ़िया से बढ़िया, जिनका स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है 1,70,000 के आसपास, और मैक्सिमम वो जैसे बात हो रही थी मेरी तो बता रहे थे 17 लाख के आसपास मिलने वाली है आपको। सो अब आपको डायरेक्ट मिलवाता हूँ मैं पाजी से एंड बात करते हैं और कंफर्म कर लेते हैं प्राइसिंग। क्या हाल है पाजी? तो पाजी बात कर रहे हैं गाड़ियों की, तो मैंने इनको बताया कि 1,70,000 स्टार्टिंग हो रही है, तो आप कंफर्म कर दो ये। सर स्टार्टिंग प्राइस जो हमारे पास स्टार्टिंग प्रोडक्ट है वो 1,70,000 से है। ठीक है, जैन स्टील आपको देंगे उस प्राइस पे। ठीक है, और मैक्सिमम कितना? 17 लाख। मैक्सिमम 1,650 तक जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम 1,650 तक जाएंगे। तो एक काम करते हैं, जल्दी से जल्दी करते हैं वीडियो को शुरू और गाड़ी का डिटेल बताते हैं आप लोगों को, सारा वॉक अराउंड एंड में दिखाऊंगा, तो पूरा वीडियो देखना है। वीडियो करते शुरू, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। और बाकी आप लोगों को पता ही है मैं कमेंट फीचर कर रहा हूँ आजकल, तो 3 कमेंट कोई भी फीचर हो चुके हैं इस ब्लॉग के अंदर। अगले ब्लॉग में अगर आपको फीचर होना है तो कमेंट डाउन करो गाइस, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो इस चीज में। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइस पहले आ रही है हमारी हुंडई वर्ना। सर जी क्या डिटेल है इसकी? 2013 मॉडल कार है ये, हुंडई वर्ना डीजल कार है। ठीक है, और 2013 मॉडल डीजल वर्जन SX मॉडल है। SX मॉडल में 2 एयरबैग आते हैं, आपको शायद पता ही होगा। हाँ जी, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कार है, टायर्स की है, प्लस बिल्कुल ब्रांड न्यू कार। इसका हम डिमांड प्राइस मांगते हैं 5,30,000। 5,30,000 जो ऑन टेबल फर्दर नेगोशिएबल है। कोई भी प्राइस हम कार की डिस्कस करेंगे, वो सारे प्राइस ऑन टेबल नेगोशिएबल है। ठीक है, एक बार इंटीरियर दिखाते हैं इस गाड़ी का, एक बार तो गाइस आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर। सो आप देख सकते हो, पहले तो यहाँ पे स्टीरियो लगा हुआ है, उसके साथ साथ ड्यूअल एयरबैग्स है इसमें। और बाकी अगर आप देखो तो गाड़ी नीट एंड क्लीन है, काफी कवर्स वगैरह भी, एंड कंडीशन काफी सही लग रही है इस गाड़ी की। इसके सीट्स में भी एयरबैग्स हैं, यहाँ देख सकते हो गाइस, इसके सीट में भी एयरबैग्स लगे हुए हैं, तो काफी सही है, मतलब डिमांडिंग के हिसाब से अच्छा लगा मुझे। अब बाकी जो फर्दर डाउनटेबल नेगोशिएबल होगा वो तो होगा ही होगा। आप एक बार रियर व्यू भी देख सकते हैं। सो गाइस इसका आप रियर व्यू भी देख सकते हो एक बार के लिए। ये देखो सीट बेल्ट लगी हुई है ऑलरेडी, एंड पावर विंडोज है चारों, ये देख सकते हो पावर विंडोज, आगे भी कंट्रोल बटन होगा पावर विंडोज का। और गाइड्स की गाड़ी की कंडीशन काफी अच्छी लग रही है। सो और बैक से भी अगर आप देखो तो ये देखो गाड़ी की कंडीशन बहुत सही है, स्क्रैचलेस गाड़ी है, बहुत मेंटेन लग रही है गाड़ी। अगली पे चलते हैं, जो जैसे बता रहे जेन एस्टीलो ये खड़ी हुई है। पाजी क्या डिटेल है इसकी बताइए जरा। सर ये जेन एस्टीलो है, 2010 मॉडल। ठीक है, ये 2010 मॉडल की कार है विद पावर स्टीयरिंग एंड पावर विंडोज। ये स्मॉल सेगमेंट है, जैसे सैलरी मैन ने जिन्होंने लेनी है, स्टार्टअप लेना है, तो दैट इज अ गुड कार। हाइट आप देखिए इसमें अंदर बिल्कुल हाई, सिर भी नहीं साथ में लगता, बिल्कुल इजी टू ड्राइव है, सिंपल कार है, लेडीज और जेंट्स कोई भी चला सकता है। ठीक है, इसकी ईएमआई सबसे सस्ती है आई थिंक, ये 2010 मॉडल है और इसका प्राइस है 1,70,000। कितना रन अप होगा इसका एप्रोक्सीमेटली? कितना रन अप है? ये है 45,000 के आसपास। चलो आपको गाइस दिखाते हैं अब इसका इंटीरियर, जैसे कि पाजी बता रहे हैं पहले तो सीट्स हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये देखो सीडी सिस्टम है सोनी का, ये देखो गाइस सीडी सिस्टम सोनी का लगा हुआ है। पावर विंडोज ये देख सकते हो, चारों पावर विंडोज हैं। बाकी अंदर से कंडीशन काफी सही लग रही है गाड़ी की, अगर आपको परचेस करनी है आप कर सकते हो। जो फर्दर ऑन टेबल नेगोशिएबल प्राइसिंग जो है वो तो होने ही वाला है आप लोगों के लिए, गाड़ी काफी सही लग रही है। उसके बाद अगली गाड़ी कौन सी पाजी? अब अगली गाड़ी है हमारे पास टोयोटा की अल्टिस। टोयोटा अल्टिस गाइस आप बहुत डिमांड करते हो इसमें, जैसे पहले मैं देख सकता हूँ एलॉय भी लगे हुआ आफ्टर मार्केट चारों, और शायद टायर्स भी आफ्टर मार्केट ही है। जी सर टायर भी आफ्टर, पर बिल्कुल टायर्स बिल्कुल ब्रांड न्यू है। आप देख लीजिए इसका वीआईपी नंबर है 3030। ये देखो गाइस इसका वीआईपी नंबर 3030 है। ये डीजल वर्जन कार है, 2013 मॉडल है। ठीक है, और इसकी प्राइस डिमांड है 6 लाख रुपीज जो फर्दर ऑन टेबल नेगोशिएबल होने वाली है।
कौन सा मॉडल है सर? 2013 मॉडल है, 62,000 ड्रिवन है और 6 लाख रुपीज इसकी डिमांड है। कार जो है सर्टिफाइड भी है कार टाइप पे। लो जी गाइस, सर्टिफाइड कार है ये, ये देख सकते हो आप। अब चलते हैं फिर इसका इंटीरियर वॉक अराउंड दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है कैसा नहीं है। सो गाइस पहले वो देख सकते हो आप, अभी तक मैंने जितनी गाड़ी दिखाई है सब में पावर विंडोज तो थी ही, स्टीरियो भी फिटेड है गाइस में, ब्लॉक पंक्ट का देख सकते हो आप। और अगर इंटीरियर्स की बात करी तो काफ़ी सही लग रहे हैं इंटीरियर्स के मामले में, और बहुत सही लग रही है गाड़ी भी। अगर आपको परचेज करना है आपका लोकेशन पता ही है आपको, क्रिस्टल कार बाजार, एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने ऑलरेडी। सो अब चलते हैं दूसरी गाड़ियों की तरफ जो अंदर खड़ी है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। उसके पहले निसान ट्रेनो दिखाते हैं आपको। लो जी निसान ट्रेनो आ गई आप लोगों के लिए, 5002। ये इसमें भी अलॉय व्हील्स हैं, दैट इज आल्सो कंपनी फिटेड, जो टॉप वर्जन में आते हैं। और डीजल वर्जन कार है, 2014 मॉडल है, ठीक है। और इसका प्राइस डिमांड है 5,20,000। 5,20,000 एक्सपेक्टेड प्राइस है। अलॉय व्हील्स गाइस आप देख सकते हो फिटेड है, आफ्टर मार्केट टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू है इसके, ठीक है। बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की, तो पहले तो आई थिंक पावर विंडोज तो है ही है, तो आप पावर विंडोज है, ड्यूल एयरबैग्स हैं, रियर एयरबैग्स था, ये देखो रियर बैग्स हैं, स्टीरियो लगा हुआ है आपका इंटीरियर्स में आप देख सकते हो। बाकी गाड़ी काफी नीट एंड क्लीन कंडीशन में, और वैसे भी टफ गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, काफी बहुत अच्छी लगती है। कार है, लेदर सीट्स है इसके। क्या आस्किंग आपने बताया इसका? 5,20,000। चलो जी अब चलते हैं अंदर, अंदर काफी गाड़ियां खड़ी है। पहले देख सकता हूँ जैसे कि मैं हुंडई की खड़ी है, ये आई थिंक वरना है बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल। सर ये लेटेस्ट मॉडल है, 2019 मॉडल। अच्छा, और ये सिंगल ओनर कार है, हार्डली 22,000 ड्रिवन है, ठीक है। ये पेट्रोल वर्जन कार है, ठीक है। इसकी डिमांड प्राइस है 990। ये भी कार टाइम से सर्टिफाइड है कार ये, अगर आप देखो तो। और इसका भी जरा आपको इंटीरियर दिखा दिया जाए एक बारी कैसा है कैसा नहीं, और देख सकते हो मतलब ये तो बिल्कुल वो कहते हैं ना पैक जैसे आती है वैसे ही है गाड़ी। बाकी स्टीरियो लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट एयरबैग्स वगैरह इसमें भी होंगे भाजी? बिल्कुल सर, इसमें भी एयरबैग्स हैं। ठीक है जी, इसमें भी एयरबैग्स है। कितना आपने डिमांडिंग बताया इसका? 9 लाख रुपीज़। पावर विंडोज का इसमें भी एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ, पावर विंडोज का ऑप्शन सामने अगर आप देखो तो पावर विंडोज का ऑप्शन है, 9 लाख रुपीज आस्किंग है, विच इज फर्दर ऑन टेबल नेगोशिएबल। नेक्स्ट इज अवर स्विफ्ट, ये मारुति स्विफ्ट है जो पंजाब में बहुत ज्यादा बिकती है, तो थोड़ा सा कलर भी बहुत डिफरेंट है और थोड़ा मॉडिफिकेशन भी हो रखी है, जैसे एक ग्रिल चेंज हो रखी है, एक्सेसरीज है। तो ये 2013 मॉडल है, ठीक है। एंड इसकी जो डिमांड प्राइस है वो है 4,10,000। 4,10,000 रुपीज इसकी डिमांड है। कौन सा मॉडल है? 2013 मॉडल। कितना ड्रिवन होगा इसका? ये चली है 73,000 अप्रॉक्स। इसमें गाइस अगर आप देखो तो एलॉय व्हील्स आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। बाकी थोड़ा इंटीरियर्स की आपको डिटेल दे देते हैं इसकी कैसा है कैसा नहीं, और मोस्ट प्रोबेबली जितना मुझे लगता है पावर विंडोज तो होने ही वाली है। चारों आप पावर विंडोज देख सकते हो, और उसके बाद ऑटोमेटिक बटन भी है, एंड स्टीरियो भी आप देख सकते हो लगा हुआ है इसके साथ ही साथ। पीछे भी अगर आप देखो तो बहुत सही लग रही है कार, बहुत अच्छी लग रही है। इसमें एयरबैग्स नहीं है? इसमें एयरबैग्स नहीं है। इसमें एयरबैग्स नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सर जो जनसेक्स की चॉइस है, जीप कॉम्पस। ये भी काफी अच्छी गाड़ी है, अभी तक बहुत चल रही है। कॉम्पस है, बिल्कुल पुश बटन स्टार्ट है, सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, ठीक है। लिमिटेड मॉडल जो आता है वो है, टायर इसके ब्रांड न्यू है, अलॉय व्हील्स कंपनी फिटेड है। ये देख लो ये आफ्टर मार्केट कंपनी फिटेड है, आपने देखा होगा। डीआरएल लैंप्स भी हैं और एलईडी लाइट्स भी इसमें चलती है, ठीक है। क्या प्राइसिंग रखा है इसका? इसकी 14 लाख रुपीज प्राइसिंग है, 2017 मॉडल डीजल वर्जन का। डीजल वर्जन 2017 मॉडल 14 लाख इसके आस्किंग है, ठीक। इसमें मैनुअल है। चलो जी एक बार बटन स्टार्ट आप देख लीजिए, तो एक बार करके दिखाइए जरा आप खुद ही। सर 58,000 चली है कार, आप देख सकते हैं मीटर रीडिंग बिल्कुल आ रही है। ये देखो ये 58,000 किलोमीटर चली है ये गाड़ी। बाकी अगर आप देखो तो इंटीरियर्स में स्टीरियो लगा हुआ है वही, और बाकी अंदर से काफी मेंटेन गाड़ी है। अच्छा सब कंपनी फिटेड, आफ्टर मार्केट कुछ नहीं है, लिमिटेड मॉडल में सब कुछ कंपनी फिटेड ही आता है, ठीक है जी। तो अब इसको हम चालू करके दिखा रहे हैं, पुश बटन जो है उसका सिस्टम आपको दिखाएंगे डायरेक्टली। बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लो गाइस कुछ नहीं, सिर्फ पुश बटन प्रेस करा है गाड़ी होगी स्टार्ट। करते हैं वापस से इसे स्टॉप और चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ डायरेक्ट, जो मुझे दिख रही है यहाँ पे महिंद्रा की XUV 500 है। स्पेशल इसमें क्या है, ये ऑटो वर्जन कार है, जो ऑटो लवर्स हैं जिनको ऑटो लवर्स कार चाहिए वो ये वर्जन कार है। 2019 मॉडल कार है, ठीक है। महिंद्रा XUV है एंड अलॉय व्हील्स बाहर से डले हुए हैं, ये देख सकते हो गाइस। और मुझे लगता है फैट टायर है इसमें थोड़ा। हाँ, इसमें थोड़ा सा मतलब टायर अच्छे थोड़े ब्रॉड डले हुए हैं, तो एक्सेसरीज में काफी कुछ है इसमें, ठीक है। 14,20,000 इसकी डिमांड प्राइस है, 2019 मॉडल में कार है। कितना ड्रिवन होगी ये? चलिए 18,000 अप्रॉक्स। 18,000। तो चलो गाइस इसके दिखाता हूँ आपको इंटीरियर्स की कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे, और आई थिंक ये थोड़ा ऑटोमेटिक लग रही है मुझे, बिल्कुल ऑटोमेटिक है। सो गाइस ऑटोमेटिक गाड़ी देख सकते हो आप इंटीरियर्स के मामले में। बाकी ये कंपनी फिटेड है, आफ्टर मार्केट है, पुश बटन स्टार्ट है। अच्छा ये भी पुश बटन है, सो देख सकते हो पावर विंडोज है। बाकी कंडीशन इंटीरियर्स के हिसाब से बहुत अच्छी लग रही है और नेक्स्ट लेवल कार लग रही है।
और मतलब अच्छी लग रही है। डिमांड आपको कितना बताया इसका? सर 14,20,000 गाइस इसका डिमांड है। महिंद्रा XUV 5XL। अगली आती है आपकी इनोवा क्रिस्टल। इनोवा क्रिस्टल है सर 2016 मॉडल है। दिस इज वी वर्जन कार जो एक जी मॉडल आता है उसके बाद वी मॉडल आता है। ठीक है, वी मॉडल कार है तो ये भी मैनुअल ड्रिवन कार है। ये 25,000 अप्रॉक्स ड्रिवन है और इसकी डिमांड प्राइस है 16,40,000 जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि 16,40,000 ये सबसे महंगी आई थिंक। एक आपने फॉर्च्यूनर भी बताई थी वो सस्ती है क्या? लास्ट में दिखाता हूँ वो भी, उसका भी सेम प्राइस है। ठीक है जी, और इसका इंटीरियर दिखाया था एक बार आप लोगों को, कैसा है कैसा नहीं, लुक एंड फील कैसा आ रहा है? पुश बटन स्टार्ट में आता है, वी मॉडल भी। अच्छा ये भी पुश बटन स्टार्ट में आ रहा है। सो गाइस पहले आप देख सकते हैं पुश बटन स्टार्ट में आ रहा है। 16,952 किलोमीटर ड्रिवन है और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे पावर विंडोज हैं और स्टीरियो देख सकते हो शायद कंपनी फिटेड है। गाइस इंटीरियर से आप देखो पूरा पीछे से काफी सही लग रहे हैं। अब बात करते हैं आज की अगली गाड़ी। सर ये है महिंद्रा KUV एंड दिस इज 2018 मॉडल कार। दिस इज डीजल वर्जन कार। ठीक है, K4 जो वेरिएंट है ये वो वेरिएंट है, डीजल वर्जन कार है। 28,000 अप्रॉक्स ड्रिवन है, 4,20,000 इसकी डिमांड है। 4,20,000 की डिमांड है व्हिच इज फर्दर ऑन टेबल नेगोशिएशन। इसका आप दिखाते हैं आप लोगों को इंटीरियर। तो आप देखते हैं पहले इंटीरियर में वही पावर विंडोज आपको मिलने वाली है जो हर गाड़ी में आपको अभी तक यहाँ मिल रही है क्रिस्टल कार बाजार पे जो मैं आपको दिखाई रहा हूँ। बाकी स्टीरियो लगा हुआ है कंपनी फिट स्टीरियो है, यहाँ देख सकते हो KUV 300 के नाम से, और बाकी AC वगैरह है। और गाड़ी की कंडीशन इंटीरियर में दिखाऊं तो बहुत अच्छी है। और इसके इस गाड़ी में एक खास चीज है आपका गियर बॉक्स जो है नीचे की बजाय यहाँ पे है, आप देख सकते हो। भाई कितना आपने इसका आस्किंग बताया था? इसका 4,20,000। 4,20,000। चलिए गाइस अब आपको और कार दिखाते हैं। महिंद्रा XUV 500 आप लोगों के लिए। क्या प्राइसिंग सर? 2013 मॉडल है जिसकी प्राइस डिमांड है 7 लाख रुपीज़। W8 मॉडल है ये। W8 मॉडल है 2017 2013 जी सर। कितना आपने बताया आस्किंग इसका? 7 लाख आस्किंग है। ठीक है, जो फर्दर ऑन टेबल नेगोशिएबल होगा। इनोवा आ चुकी है आप लोगों के लिए गाइस फिर से एक बारी। कौन सा मॉडल? 2014 मॉडल इनोवा है, इसकी डिमांड प्राइस है 8,20,000। कितना रन अप होगा इसका? ये इसका 85 अप्रॉक्स चली होगी। 85,000 अप्रॉक्स चली होगी। 2014 मॉडल जी सर। ये एक और इनोवा मॉडल है। ठीक है जी, ये अप्रॉक्स चली है 1,10,000 और इसका डिमांड प्राइस है 680। 6,80,000 इसका डिमांड प्राइस है। 2012 मॉडल। आज की आखिरी गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर जो आप देख सकते हो बहुत ही सही लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। ओल्ड शेप है जब जो मतलब सबसे फेवरेट अभी तक यही है मेरी, सबसे यही फेवरेट है। सबसे पहले इसके योकोहामा के बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर्स हैं। सो गाइस देख सकते हो ये आफ्टर मार्केट टायर्स लगवा रखे हैं इसके अंदर, बहुत ही ब्रॉड टायर्स हैं। क्या आस्किंग, क्या रन अप, क्या प्राइसिंग? 2015 मॉडल है ये, ऑटो वर्जन कार है, ऑटोमेटिक कार है और इसकी डिमांड प्राइस है 16,50,000 जो फर्दर ऑन टेबल नेगोशिएबल है और 85,000 का प्रॉक्स चली हुई है। ठीक है, सो गाइस ये थी आज की आखिरी कार हमारी। ठीक है, सो पहले बात करते हैं तो होगी सारी डिटेल्स की बात हमने जो करी। अब बात करते हैं, अब लोग कहते हैं कि नेगोशिएशन कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? सर जो एकदम सिंपल सा आइडिया लगा है जो आपको मैंने प्राइस बताया है, कुछ कार में क्या होता है जो बड़ी कार है उसमें नेगोशिएबिलिटी चल जाती है 40,000 से 50,000। ठीक है, कुछ कार्स में जैसे छोटी कार है स्मॉल सेगमेंट में कार उसमें 10,000 to 20,000-25,000 इतनी नेगोशिएबिलिटी करती है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला नहीं, मतलब वो देखो दैट इज ऑन डिपेंड अपॉन लक कि आपका कितना लक तेज है और सेलर का कितना लक तेज है। वो तो बात है ही। तो अब एक लोग मांगते हैं कि फाइनेंस फैसिलिटी उसका क्या सिस्टम रहता है? जितनी भी कार्स मेरे पास है ये पैन इंडिया में फाइनेंस करते हैं, हमारे पास वी आर ऑथोराइज्ड, हम DMA है, HDFC, कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक के सभी बैंक के हम DMA है, तो उससे हमको इजीली लोन प्रोवाइड करवा देते हैं विद इन 2 to 3 डेज। अब बात कर लीजिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की क्या होना चाहिए, जैसे कोई जलंधर से नहीं है जी, उसे फाइनेंस करानी है अपनी कार तो डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड? डॉक्यूमेंट्स 2-3 ही लगते हैं, जैसे आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है, दीज थ्रीज आर नेसेसिटी डॉक्यूमेंट्स। ITR है 2 साल की ITR चाहिए होती है, दीज आर नेसेसिटी डॉक्यूमेंट, इस बिहाफ पे हम लोन कर देते हैं। और चेक्स पर सबसे बड़ी बात चेक्स जरूर होने चाहिए जिस भी कार के रिगार्डिंग आपने लोन लेना है। ठीक है, सो गाइस ये पूरी डिटेल कॉन्टेक्ट नंबर। हाँ जी भाई, उसके बाद हम बात करना चाहते हैं, हम सेलिंग नहीं करते हैं, हम परचेजिंग भी करते अच्छा, हैं। ऐसा भी है क्या? जी, ठीक जैसे है। आप दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली में ब्लॉग बनाते हैं तो किसी कस्टमर ने हमें दिल्ली से भी कार सेल करनी है तो ही शुड कॉल अस, हम वहाँ पे हम उसकी कार भी परचेज कर लेते। अच्छा ऐसा भी है क्या, मतलब आपको गाइस परचेज करवानी है, कोई अपनी कार सेल करनी है तो आपकी कार दिल्ली में है कोई नई सेल हो रही है या कुछ कोई प्रॉब्लम आ रही है या पंजाब में कई कार सेल नहीं हो रही, जस्ट कॉल अस, हमें कॉल कीजिए, वी विल गेट इट डन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये चीज भी अच्छी आपने प्रोवाइड कर रखी है कि किसी को अपनी कार सेल करनी है परचेज नहीं करनी तो भी हो जाने वाला है। सेकंडली मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो व्लॉग्स देखते हैं उसमें थोड़ा सा टाइमिंग का जरूर देखिए कि कई बार आपको 1:30 बजे 2 बजे कॉल आती है तो प्लीज गाइस जो आप वीडियो देखते हैं वो टाइम 10 तक मतलब वो लोगों का रहता है, वो कुछ नहीं कर सकते। वो मैंने दिल्ली में जितने व्लॉग बनाए वहां भी लोग परेशान हो गए थे, रात को 2-2 बजे 3-3 बजे कॉल आती है तो वो थोड़ी सी दिक्कत आती है,
मतलब जो ऑफिस टाइमिंग्स में ही कॉल करें तो इसका थोड़ा बेटर वे से अच्छे तरीके से मतलब हम डिस्कस भी कर सकते हैं कार्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो गाइस ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, सजाते थे वीडियो को बढ़िया सा लाइक, नीचे कमेंट, बाकी आपको बताइए तीन कमेंट फीचर हो रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी दे रखा है, बात वगैरह करो, गाड़ी परचेज करनी है, ऑन टेबल नेगोशिएशन होने वाला है, आगे परचेज कर लो, बाकी सब्सक्राइब करते हुए जाना ऐसे।